नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कर्मचारियों को अगले महीने मिलेगी गुड न्यूज, 40,000 से ज्यादा बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज है, अगले महीने एक और महंगाई भत्ता मिलने वाला है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 5 से 6% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह अनुमान मई तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है। अभी जून के आंकड़े आना बाकी है, जिसके बाद फाइनल होगा कि जुलाई में कितना डीए बढ़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च अप्रैल और मई AICPI इंडेक्स आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि हो सकती है। बुधवार से चलेगी हम सफर एक्सप्रेस, इन ट्रेन्स में लगेंगे अतिरिक्त कोच। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बुधवार 20 जुलाई से गाड़ी संख्या 19669/19670 उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र उदयपुर सिटी हमसफर एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। गाड़ी संख्या 19669 उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस 20 जुलाई से प्रति बुधवार को उदयपुर सिटी से दोपहर 1:15 बजे चलकर चंदेरिया होते हुए गुरुवार को पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंचेगी। मध्य प्रदेश बोर्ड 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा स्थगित, 25 जुलाई से शुरू होगी। मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की पुनः परीक्षा सोमवार 18 जुलाई से शुरू होने वाली थी, जिसे एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया। अब ये परीक्षा 25 जुलाई से शुरू होगी। दोनों परीक्षाओं का समय दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। इस संबंध में 2 दिन पहले राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सभी जिलों से परीक्षा के आयोजन को लेकर फीडबैक मांगा गया था। सभी जिलों से फीडबैक आया कि चुनाव संबंधी कार्य में अधिकारी और कर्मचारी के शामिल होने के कारण 18 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, 218 नए पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से गहराने लगा है। लगातार बढ़ते कोरोना केसेस ने टेंशन बढ़ा दी। आए दिन 150 से 200 के पार केस मिल रहे हैं। रविवार को जारी बुलेटिन के अनुसार 24 घंटे में 218 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए और 123 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 1153 पहुंच गई। इधर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12,13,21,534 डोज लगाई जा चुकी हैं। एमपी में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मॉनसून लगातार मेहरबान बना हुआ है। रविवार को भी राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो आज सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल और चंबल संभाग में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर कला, शाजापुर, आगर, इंदौर, धार, देवास, खरगोन, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, मंडला और बालाघाट में तेज बारिश की संभावना जताई। एमपी में दर्दनाक हादसा, नर्मदा में गिरी बस, 13 के शव मिले। एबी रोड पर खलघाट में सोमवार को एक बड़ी घटना घटित हुई। यहां महाराष्ट्र रोडवेज की बस पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे नर्मदा नदी में जा गिरी। घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। गाड़ी में लगभग 40 से 50 सवारी बैठने की बात कही जा रही है। इसमें से 13 शवों को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलने बचाव दल मौके पर पहुंचा और बस को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार 2 यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया, जिन्हें इलाज के लिए धामनोद अस्पताल भेजा गया है। कर्मचारियों को कब मिलेगी 18 महीने के डीए एरियर पर राहत। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के अगस्त में साल के दूसरे महंगाई भत्ते की अटकलें तेज हैं, दूसरी तरफ 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में बकाया एरियर पर फैसला लिया जा सकता है। संभावना है कि कर्मचारियों को एरियर की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा में वोटिंग। आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक 196 वोट डाले जा चुके हैं। वोटिंग में शामिल होने के लिए सभी विधायक एक दिन पहले ही भोपाल में आने लगे थे। इससे पहले 14 जुलाई को यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार भोपाल आए और कांग्रेस के विधायकों से चर्चा कर उनका समर्थन मांगा। 15 जुलाई को एनडीए के राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भोपाल आई। यहां उन्होंने बीजेपी सहित अन्य विधायकों से समर्थन मांगा। नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर सीएम शिवराज ने किया बड़ा दावा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को दावा किया कि प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। उन्होंने कहा, आमतौर पर नगर पंचायत चुनाव में प्रदेश में बराबरी की स्थिति रहती थी, लेकिन इस बार नगर पंचायत और नगर परिषद की 80% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने प्राप्त की हैं। तवा डैम के गेट खुले, कई हाईवे बंद।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। आलम यह है कि नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट दूसरी बार खोल दिए गए। इससे पहले शुक्रवार को भी तवा डैम के गेट खोले गए थे। फिलहाल 10 फीट की ऊंचाई तक डैम के 13 गेट खोले गए हैं और करीब 2,04,000 क्यूसिक पानी प्रति सेकंड डिस्चार्ज किया जा रहा है। बैतूल, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी सहित कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।